राम जी, मैं विकास, रामू, पंकज, मैं तीन जना आठे रोमानिया मैंने उरट पजरा गया। मैं माने एजेंट हो मांगो विनोद, जो को माँ बाप 11-11, 12-12 लाख रुपए लिया। क्यों थाने सुजान गुडू थाने दिल्ली सीधा जर्मन की वर्क परमिट की बात करी और लार माने पहले अजरबैजान पजा दिया, अब के बाद सर्बिया पजा दिया, बस धमकिया दे तो माने क्यों अगर तान जिंदा रहना हो तो तान पैदल ही रस्त बॉर्डर पार करना जानो पड़ी, नहीं तो थाने मैं बट मरा दू ना या करा दू ना। उन्दी उन्दी धमकिया दे तो ये तीन जना एक विनोद हो दो जना और अजरबैजान को 15 अगर ई रस्ता नहीं गया तो ताने बड़ी गेला में मरवा देना। तो मैं डरता फोन कौन करियो और ना कोई कंप्लेंट करी और मैं घर का ना आए कहता तो मैं ठीक हाँ। एक सर्बिया के अंदर आज माने करता करता 7 महीना हो गया पूरा, ना तो एक रुपयो कमाए और ब्याज पर रुपया ले रहा बेसगड़ा घर शान ले मांगी और मैं बहुत दुख पा रहा हटे देख लो पेरे न मांगन कपड़ा को नहीं और इतना मतलब बहुत ज्यादा मान जलील कर दिया है वो विनोद। अब मांगन कोई रस्त हो को नहीं करा मैं का करा का गेला कमाई ना जंगला कमाई ना जंगली जंगल में आज मैंने 1 महीना हो गया जंगल कमाई बर्फ कमाई ना एक किसल्ट कमाई बैठा ना खाबा न की है ना की और है। अब फाटेड़ा पुटेड़ा पूर रहे मांगन वो विनोद जतिवार फोन करा जाएगी अगर कोई ने कह दियो तो पेट थंगे हालत खराब कर दिया ना। मगर घर का नहीं डरा रखे है और मन ही डरा रखे है और 12-12 लाख रुपया ले लिया मैंने और हर बार माने धमकी दे हर बार धमकी दे जब मैं इतना दिन हूँ शांति हूँ बेटा मैं बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इन रामून पूछ लियो क्या अब मुसीबत बता पैर नेट की है कौन एक बनियान है खाली बनियान के मैं रहना पड़ा पजामो है बर्फ के मैं काको है विनोद गहलोत है नाम है सागर पहला जो नहीं है आदमी ले लिया माने बट मारे ने जंगला में छोड़ चली गयो वो माने रात ने 2 बजे हंगरी का बॉर्डर के ऊपर छोड़ दियो मैं मना करे हंगरी पुलिस पकड़ी माने बहुत कोजा मारा बहुत कोजा।